ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसके बावजूद अभी तक महागठबंधन में सीटों का सियासी समीकरण फाइनल नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में आरजेडी के रुख ने छोटी पार्टियों और उसके नेताओं को परेशान कर दिया है। खासतौर से परेशानी आरएलएसपी और वीआईपी को हो रही है, जिसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी हैं, जो लगातार जल्द से जल्द सीट बंटवारे की मांग कर रहे हैं। भले ही मुकेश सहनी बार बार पात्र बन जाने का दावा करें, लेकिन अभी भी आरजेडी और कांग्रेस ने उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को कोई भरोसा नहीं दिया है। महागठबंधन के भीतर के समीकरण को देखें तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस का स्थान है। इन दोनों के अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है। इसके अलावा वाम दलों और सीपीआईएमएलए के भी साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार बिहार में आरजेडी से कुछ सीटों की मांग कर रही है। झारखंड में आरजेडी के एकमात्र विधायक होने के बावजूद उसे हेमंत सरकार में मंत्री बनाया गया है। अब जेएमएम बिहार में अपना पांव पसारना चाह रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी किसी भी कीमत पर 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में बाकी बचे हुए दलों में बची हुई 90-93 सीटों में से ही बंटवारा करना होगा। सीट बंटवारे की असल समस्या यही है। कांग्रेस भी अपने लिए पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस पिछली बार 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार 80 सीटों पर दावा कर रही है। कांग्रेस 50-60 सीटों के बीच चुनाव लड़ने पर राजी हो सकती है। इसके अलावा वाम दलों और सीपीआईएमएल को भी गठबंधन में रखने पर सहमति पहले ही बन गई है।